सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल जीएस वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जीएस वर्ल्ड में। तो आज की इस वीडियो में हम 21 अक्टूबर 2017 के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे लंबी दूरी की करीब 500 ट्रेनों की यात्रा का समय में कितने घंटे की कटौती करने जा रही है? तो आपका आंसर होगा 2 घंटे की कटौती करने जा रही है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, विश्व के सबसे असुरक्षित शहरों की सूची में पहला स्थान किसे मिला है? तो आपका आंसर होगा कराची को मिला है। नेक्स्ट, द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की सेफ सिटी इंडेक्स 2017 में किसे विश्व का सबसे सुरक्षित शहरों घोषित किया गया है? तो आपका आंसर होगा टोक्यो शहर को। नेक्स्ट, हाल ही में किसने केंद्र सरकार के दूसरे सर्वोच्च कानूनी अधिकारी सॉलिसिटर जनरल पद से इस्तीफा दिया? तो आपका आंसर होगा रंजीत कुमार ने इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृतोत्सव दिवस मनाया गया? तो आपका आंसर होगा दिल्ली में मनाया गया। नेक्स्ट, अमेरिकी विदेश मंत्री का क्या नाम है जो अक्टूबर 2017 में भारत के दौरे पर होंगे? तो आपका आंसर होगा रेक्स टिलरसन। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में अलकायदा के आतंकवादियों को मारने के लिए अमेरिका ने हवाई हमला किया है? तो आपका आंसर होगा यमन में। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, हाल ही में स्पेन द्वारा किसकी स्वायत्तता समाप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 155 को लागू किया है? तो आपका आंसर होगा कैटेलोनिया। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने बिना पेट्रोल डीजल के वाहन चलाने के लिए निर्देश जारी किए? तो आपका आंसर होगा ब्रिटेन। नेक्स्ट, हाल ही में एक आरटीआई के जवाब में किस सरकारी संस्था ने खुलासा किया कि बैंक खाते को आधार से जोड़ने का आदेश नहीं दिया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने नहीं दिया था आदेश। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, गांव गांव तक इंटरनेट पहुंचाने की सरकार की परियोजना के तहत वर्ष 2018 तक भारत में कितने पब्लिक वाईफाई लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो आपका आंसर होगा 7.5 लाख। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, आईसीसी की वनडे बल्लेबाजी की रैंकिंग में निम्नलिखित में से किसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका आंसर होगा एबी डिविलियर्स को पहला स्थान प्राप्त हुआ है जो दक्षिण अफ्रीका के लिए खेलते हैं। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो आपका आंसर होगा जगदीश मुखी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, हाल ही में अंडमान व निकोबार के उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर होगा देवेंद्र जोशी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में हॉल ऑफ ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका आंसर होगा एंथनी जोशुआ को सम्मानित किया गया है। और एक बात दोस्तों, आपको एमसीक्यू के साथ साथ अब इसकी डिटेल्स भी मैं देने लगूंगा जल्दी, या एक दो दिन से किसी फ्रेंड्स ने कमेंट किया था कि सर आप डिटेल में भी बताया करिए, तो मैं इसकी डिटेल में भी बताऊंगा 2 या 3 दिन से। एमसीक्यू की मैं एक अलग वीडियो डालूंगा और डिटेल्स की मैं एक वीडियो में कवर करूंगा। टोटल आपको 2 वीडियो करंट अफेयर्स के ऊपर डेली मिलेंगी। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।